मेरे पास एक साधारण कागज है और अक्सर अगर हमें लगता है कि इसकी हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज हमें पता नहीं हो तो हम सबसे पहले स्क्वायर बना लेते हैं। अगर हमें कुछ भी नहीं आता है तो हमें क्या लगता है कि यार कुछ स्क्वायर बना दें, स्क्वायर से सारा काम हो जाएगा। एंड देन इट सीम्स लाइक अरे ये तो लग रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो इट सीम्स लाइक दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, बट this side does not look equal to this side. Kaise? If I fold this over this, these two sides remain the same. Ye aur ye barabar ho jate hain. Lekin jab is wali ko mod kar iske upar rakhta hu, to ye kam pad jati hai. Kaise? Ye itni extra hai. Yahan par this much part is more. When I say this much, ye iska point yahan tak aaya, ye choti pad gayi. The other thing that I can also see is that this is a 90 degree triangle. Matlab right angle triangle. ये 90 degrees है, because this is the corner of the square of my paper, right? This can never be an equilateral triangle. तो हमें क्या लगता है? हमें लगता है यार ये नहीं हुआ तो चलो और छोटा कर दें, तो ऐसे कर दें। And we say, oh, this is my equilateral triangle. Well, it's the same thing. ये दोनों sides बराबर हैं, ये वाली अभी भी बड़ी है, because it's still a 90 degree triangle. तो हमें क्या लगता है? फिर ऐसे कर दें, और छोटा कर दें। हमें लगता है अब हो गया भाई, अभी भी वही स्थिति है, इट्स जस्ट दैट द ट्रायंगल आधा होता जा रहा है, बट द शेप ऑफ द ट्रायंगल रिमेन्स द सेम, ऑल ऑफ देम आर राइट आइसोसेलिस ट्रायंगल्स। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो हमसे नहीं बना क्योंकि हमने उसमें राइट ट्रायंगल, अब असली में चलिए हम कोशिश करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने की। ये आप साथ में भी कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें से आधा मोड़ देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे मोड़ेंगे, कोई भी पॉइंट यहां पर ले लिया, इसको इतना मोड़ा कि ये जो बचा हुआ भाग है ये बिल्कुल इसके ऊपर बराबर आए, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इतना मान लीजिए मोड़ दिया, तो ये बचा हुआ भाग छोटा पड़ जाएगा, है ना, तो इसलिए कम करें, इतना मोड़े ये जो बचा हुआ भाग है इसके ऊपर बिल्कुल ऑलमोस्ट, अभी ये थोड़ा सा कम रह गया ना यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो इसको थोड़ा और छोटा कर दो। ओके, सो नाउ वी कैन सी वी हैव डिवाइडेड दिस होल फोल्ड इन थ्री इक्वल फोल्ड, थ्री इक्वल पार्ट्स। सो नाउ इट्स शुड बी फेयरली ऑब्वियस इफ आई आस्क दैट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंगल, ये वाला तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पूरा 180 था, और अगर तीन में कर दिया तो साथ होता, बहुत बढ़िया, इतना अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको उल्टा टर्न कर तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये छोटा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो हम इसी इक्विलैटरल ट्रायंगल को अब कैच कर स्टार्ट देंगे। अगर इसको ठीक है, बहुत बढ़िया, अब क्या करें, इसको खोलें, बन गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या लगता है खोलेंगे तो क्या दिखेगा, खोल सकते हैं, चलिए खोल के दिखाते हैं। तो ये देखा आप सभी ने, बनाने चले थे ट्रायंगल, बन गया हेक्सागन, क्यों, क्योंकि हमने तीन बार फोल्ड करा था। चाहते क्या है बनाना, कोई फिर से बताएगा, क्या चाहते हैं बनाना, हम चाहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब फिर से कैंची लेंगे और इस बार यहां से काटेंगे, कैसे, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, और बिल्कुल ऊपर के पॉइंट तक सीधा काटेंगे। ये पीस हट गए, ये हमारा एक कुछ, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल लगता है क्या, नहीं लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लगता है, नहीं लगता है, ये लगता है, नहीं लगता है, और इसको अगर हमने पूरा खोल दिया तो ये क्या बन गया, ये पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो मतलब अगर आपको अच्छी लगी हो तरकीब तो ताली भी बजा सकते हैं। और ये जो बचे हुए पार्ट थे, ऑफ कोर्स इसको अगर हम जोड़ दें इसके ऊपर तो ये हेक्सागन बन जाएंगे। देखिए ये हमने क्या करा इस बहाने, इसके जो हेक्सागन में जो तीन चोंच थी, तीन कॉर्नर थे, वो हमने काट,
तीनों कॉर्नर्स हट गए, सो देन व्हाटएवर इज रिमेनिंग, सो दिस पार्ट इज गॉन एंड देन वी गॉट अ इक्विलैटरल ट्रायंगल. ऑलराइट, वेरी गुड. नाउ लेट मी आस्क यू एंड डू वन मोर थिंग. दिस वापस से आई फोल्डेड इट अगेन. ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था, वापस से मैंने फोल्ड कर दिया. और अब रिमेम्बर पिछली बार मैंने क्या करा था, एक तिरछा कट लगाया था एट 90 डिग्री. ओके, तो मेरा क्या बना था, इक्विलैटरल ट्रायंगल. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक, अब मैं इसको यहां से इसकी कॉर्नर पे कट लगाता हूं. ठीक है, ये मान लीजिए, नोटिस व्हाट आई हैव डन इज आई हैव मेड अ कट व्हिच इज नॉट परपेंडिकुलर. तो क्या लगता है क्या होगा, इसको खोलेंगे तो क्या होगा, मैजिकली यू विल फाइंड दैट बिकॉज आई हैव नॉट कट एट 90 डिग्रीज, व्हाट आई विल गेट द हेक्सागन इन द सेंटर. व्हाई, बिकॉज द कट दैट आई मेड वाज नॉट परपेंडिकुलर. And so now, imagine if I have to make a cut. Now, if let's say I have to make a triangle inside that hexagon, what should I do? I should make a cut, but okay, that should be perpendicular to this base. And so, if I do that, see, this is perpendicular. Now, you see what happens. Anytime on a fold, if you cut it perpendicularly, when you open it, it becomes a straight line. CD line. अब अगर हम इसको पूरा खोलेंगे तो ये जो पहले हेक्सागन था वो ट्रायंगल बन गया. अब मैंने यही कट लगाया लेकिन तिरछा लगा दिया. अब क्या बनना चाहिए उसी लॉजिक के हिसाब से खोले तो देखिए, ये तिरछा कट है ना, सीधी लाइन नहीं है, सीधी लाइन तो यहां से होगा. इसको खोलेंगे तो आप क्या पाएंगे, क्या बनेगा, क्या दिखता है, कोई बताएगा, हेक्सागन है कि नहीं है? बिल्कुल हेक्सागन है. पहले हेक्सागन का पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स बाहर थे, तो इट वाज अ कॉन्वेक्स हेक्सागन, पॉइंट्स अंदर चले गए, स्टार भी बोल सकते हैं, बट है हेक्सागन ही. तो तिरछा कट लगाते हैं तो हेक्सागन बन जाता है. और फिर वही चीज है, वही तरकीब, कि अगर हमने कॉर्नर काट दिया, ऑल राइट, तिरछा कॉर्नर काटा है तो इसके अंदर एक छेद हो जाएगा. कौन सा छेद होगा, तिरछा काटा है तो हेक्सागोनल छेद होगा. और इसी छेद को अगर हम 90 डिग्री पर काट दें, यानी बेस के 90 डिग्री पर काट दें, तो ये लाइन सीधी हो जाती है और अब हेक्सागन की जगह